हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुजान नेगी चुपता किन हसीन वादे से अपने यूट्यूब चैनल एस जे हिमालयन में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल चाय वगैरह पीते हैं, बाइक का टायर जब ठीक होगा तब होगा, पर सुबह से कुछ खाया नहीं था तो। और फिलहाल हम सोनी के सेंटर में पहुंच चुके हैं और जो Z50 है उसको थोड़ा चेक करना है। उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें मिला है मुझे। करते हैं हम Z50 की अनबॉक्सिंग, जो मैं अभी कल परचेज़ किया था, और दिखाते हैं आपको Z50 में क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपका Z50 हमने परचेज़ किया है, तो Z50 के जो फीचर्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। एक तो सबसे पहले जो 64 GB का जो Class 10 का SD कार्ड है वो मिला है मुझे, और 2 ईयर की वारंटी है। और ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में है, ये लिखा भी है इस पर, दिस प्रोडक्ट फॉर सेल ओनली इंडिया। तो बाकी इस पर ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको बताऊँ इसके बारे में। तो करते हैं अनबॉक्सिंग, दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हमें मिला है इसमें। सबसे पहले तो ये वारंटी कार्ड है जहाँ से मैंने परचेज़ किया है, ये है नीलकंठ इलेक्ट्रॉनिक्स देहरादून से मैंने परचेज़ किया है, इसको रखते हैं साइड पे। और जैसा सारे कैमरों में होता है, ये इसका मैनुअल बुक है जिसमें कैमरे लेंस वगैरह के बारे में बताया जाता है कैसे क्या करना है, ये फिलहाल साइड करते हैं। बाकी ये भी ऐसी है, और इस पर लिखा होगा Z सीरीज़ है। ये एक स्टिकर है जो कंपनी का दे रखा है, तो फिलहाल इसको भी साइड रखते हैं। बाकी तो ये इस पर 2 ईयर वारंटी कार्ड सारा कुछ है। तो करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले जो हमें मिला है इसमें बेल्ट हो गया जो कैमरे को अटैच करने के लिए थी, और कैमरे की जो सेफ्टी होती है। उसके बाद ये बैटरी मैंने एक्स्ट्रा ली है क्योंकि उस कैमरे के साथ एक ही थी। ये बैटरी लगभग 5000 की पड़ी मुझे, तो काफ़ी अच्छी है। ट्राई करते हैं कि सबका इसका बैटरी बैकअप है। और उसके बाद है USB चार्जिंग है। सब मेन जो ये कैमरा है Z50 है, ये USB आप पावर बैंक से चार्ज कर सकते हो इस कैमरे को, तो इसलिए मैंने इस कैमरे को परचेज़ किया है। तो ये पावर बैंक केबल हो गया, ये हो गया आपका चार्जर, निकॉन का चार्जर है, और चार्ज होने पे और इंड है, चार्जिंग है इंड है, लाइट वगैरह देता है इस पर, पता चल जाता है कि ये चार्ज हो गया है। ये है आपका मेड इन चाइना। तो फिलहाल इसको भी साइड रखते हैं, और इसमें सबसे पहले बचते हैं आपके दो बॉक्स, एक हो गया कैमरा एक हो गया लेंस का। तो फिलहाल लेंस को अनबॉक्स करते हैं क्या कैसा है लेंस। ये है आपका लेंस 1650, काफ़ी अच्छा लेंस है निकोर का, और मैनुअल फोकसिंग वगैरह सारा कुछ है इस पर। तो इसको भी रखते हैं साइड पे। अब आती है कैमरे, अब आते हैं हम कैमरे पे। ये है आपका कैमरा Z50, इस पर लिखा भी है Z50 निकॉन का। तो काफ़ी कुछ है इस कैमरे पे, दिखाते हैं आपको। Z50 हो गया, तो लेंस को लगाते हैं। पहले तो दिखाते हैं आपको किस हिसाब से इसमें जो फीचर्स हैं किस हिसाब से हैं। इसमें मेन क्या होता है कि जो ये पॉइंट है, जो रेड दे रखा है, वाइट दे रखा है, और इस पे भी वाइट है, इन दोनों को हमें अटैच करना होता है, साथ में मिलाना होता है। ये दोनों साथ में हो गए, इसके बाद अब आप लेंस को हल्का सा राइट को मूव करो तो लेंस फिट हो जाता है। ये है आपका जूम आउट एंड क्लोज। जो अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ वो निकॉन Z50 से शूट कर रहा हूँ, और अगर मैं कल दून जाने की बात करूँ कि कैसे हम कितने बजे गए, वन डे हमने वापसी किया, यहाँ से देहरादून गए सुबह और शाम को घर भी आ गए, वो पॉसिबल वो टाइम जल्दी हो जाना था। हम लोग पहुँचे 9:30 बजे के करीब पहुँचे घर पे, और लगभग हम लोग निकले थे घर से 4:30 बजे के करीब, हम घर से निकल गए थे और बाइक हम पहुँच गए थे अगस्तमुनि तक पहुँच गए थे। वहाँ पे
बाइक का टायर पंक्चर हुआ, काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं मेरे साथ अगर मैं कहीं लॉन्ग राइड करता हूँ तो, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराता, क्योंकि मैं इन प्रॉब्लम को काफ़ी टाइम फेस कर चुका हूँ। लगभग 4:30 बजे हम घर से निकले और 5, 5:30 बजे हम अगस्त मुनि पे पहुँचे, और अगस्त मुनि पे सिल्ली पे टायर पंक्चर हो गया। वो टायर थोड़ा डैमेज हो गया था, वो तो वैसे मैंने चेंज करवाना था, पर ऐसे टाइम पे हुआ जब कोई मिस्त्री या गैराज वगैरह खुला नहीं था। 5:30 बजे कौन खुला रहता। फिर 9, 9:30, 8 बजे वो आए, मैकेनिक आया, उसने टायर को चेंज किया। ये टायर जो मैंने डाला अभी शेड का, ये थोड़ा महंगा पड़ा, पर उस टाइम पैसों की वैल्यू नहीं थी, उस टाइम टाइम की थी, क्योंकि हमने वापसी भी आना था। वो टायर डाला हमने, हम निकले 9:30 बजे अगस्त मुनि से, और 12, 12:30, 1 बजे हम पहुँचे देहरादून में। कैमरा परचेज़ किया, कैमरा लिया, उसके बाद फिर थोड़ा लाइट का इशू आ रहा था, लाइट नहीं सही से नहीं चल रहा था, क्योंकि हमें वैसे भी लाइट ही में आना था, वो मुझे पता था, इसलिए मैंने थोड़ा लाइट का जो काम था वो करवाया, और फिर सेल पे भी दिक्कत कर रहा था, वो भी सही करवाया। तो लगभग हम लोग पहुँचे घर पे आपका 9:30 बजे के करीब पहुँचे, और सारी जगह आपका ऋषिकेश में हो गया चेकिंग है। वो तो हमें जाना दिए, हमने कहा हम घर जा रहे हैं, हमारा घर है उधर, तो तब जाने दिया। फिर देवप्रयाग पे अलग गए, श्रीनगर पे, सिरोबगढ़ में अलग गए, फिर अगस्त मुनि पे अलग गए, और लास्ट में कुंड पे अलग गए। सारी जगह जो चेकिंग है, जो कोई बाहर से टूरिस्ट आता है तो उनके लिए जो कोविड डोज़ है, जो वैक्सीनेशन है, वो कंपलसरी है, 2 डोज़ होनी चाहिए। और अभी मैं तो अभी सुन रहा हूँ खैर ई पास के बारे में, कि ई पास ज़रूरी है आप उत्तराखंड में अगर घूमने आते हैं तो। अभी के लिए तो शायद ई पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जब हम लोग आ रहे थे, जिनके पास ई पास नहीं था उनको जाने ही नहीं दे रहे थे। तो बहुत सारे जो रास्ते में गाड़ियाँ मिली, बहुत सारी थी, लोग इतने परेशान हो रखे हैं कि जाने के लिए केदारनाथ तो हो गया, इन जगह जो टूरिस्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। पर गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उनके हिसाब से तो चलना ही होगा। कैनन Mark II M50 को नहीं लेने का रीज़न ये था कि मैं एक्चुअल कैनन कभी चलाया नहीं है, तो उसकी सेटिंग का थोड़ा दिक्कत था। फिर उस पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उस पर USB नहीं था, USB नहीं होने के कारण मैंने उसको परचेज़ नहीं किया। फिर मेरे पास ऑप्शन था सोनी का, सोनी के लेंसेस इतने महंगे हैं, कैमरा अगर आपका 50,000 का है तो लेंस उसका 80,000 का होगा, 70,000 का होगा, तो बहुत ज़्यादा बजट हो जाता। अभी मैं उसको लेने के लिए सोचता भी कि मैं जेड सोनी सोनी को लूँ, पर बाद में पछताना पड़े, ऐसे काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल जो हमने Z50 को लिया अभी, वो मेरे वेडिंग में काम आ जाएगा, ब्लॉगिंग में काम आ जाएगा, बहुत सारी जगह। और फिर सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो निकॉन है, निकॉन को लेने का रीज़न ये था कि निकॉन बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, जो निकॉन सीरीज़ है इस पे मैं प्रॉपर वेडिंग शूट करते हैं। तो अभी जो निकॉन लिया हमने, ये मेरा अभी सारी जगह यूज़ में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो निकॉन निकॉन सीरीज़ है, निकॉन सीरीज़ को हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। निकॉन 850 है, D500 है, और अभी हमारा जो नया मेंबर है वो निकॉन Z50 है। तो निकॉन Z50 के बारे में अगर मैं बताऊं, अभी मैं जो शूट कर रहा हूं वो निकॉन Z50 से शूट कर रहा हूं, तो इसका वॉइस का आपको आइडिया हो ही गया होगा कि जो Z50 का वॉइस है और जो 11 का है थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। फिर सबसे मेन क्या है, क्वालिटी का फ़र्क है। कैमरा लेने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि मैं कुछ टाइम से शूट कर रहा था, इस पर शूट कर रहा था, जो iPhone 11 है इस पर शूट कर रहा था, तो इससे वॉइस का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहा था। लगभग मेरी जितनी जितनी भी वीडियोस होगी सब में इसी चीज़ का कमेंट था कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो काफ़ी टाइम से मैं यही चीज़ सोच रहा था कि क्या करूँ, मैं GoPro लूँ या DSLR लो। तो कुछ टाइम से मैंने काफ़ी GoPro पे काफ़ी सर्च किया, GoPro को लगभग मैंने बहुत टाइम सर्च किया कि GoPro के क्या फीचर्स हैं, क्या कैसा है। तो लास्ट फाइनली जब मेरा GoPro का फाइनल हो चुका था, उसके बाद सडनली मुझे YouTube पे वीडियो दिखा, और YouTube पे वीडियो दिखा मैंने कि DSLR है, DSLR मेरा दो जगह काम आ जाएगा, एक जो मेरा बाई प्रोफेशनल जो फोटोग्राफी है उसमें काम इस उसमें ला सकता हूँ मैं इसको, और जो मेरा ब्लॉगिंग है मैं ब्लॉगिंग में ये कैमरे से शूट कर सकता हूँ। तो मेरे पे तीन ऑप्शन थे, एक था निकॉन Z50 था, और एक सोनी का था, सोनी Z ZB10 था, और एक था आपका कैनन का Mark II। क्या
क्या है अंशु? कैसे किसके कपड़े हैं? क्या कसन जी कपड़ा? अगर कोई हमारे इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्यारे से कमेंट करना ताकि मैं आपके लिए पहाड़ से रिलेटिव ऐसे और वीडियोस लाता रहूं। और इस वीडियो को करता हूं यहीं पे एंड, मिलता हूं नए दिन नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए स्वीट ड्रीम्स।